हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनीषा राठौर, थर्ड ईयर एमबीए स्टूडेंट, एम्स कल्याणी। सो आई एम हियर टुडे विद द मोस्ट अवेटेड वीडियो एंड दैट इज कॉलेज मेस फूड ब्लॉग। और इसी के साथ में अगले 15 दिनों के अंदर आपको मिलेगी एक ऐसी वीडियोज़ की सीरीज जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, और वो क्या होंगी, कैंपस टूर, रूम टूर, लाइब्रेरी टूर एंड और भी बहुत कुछ। और 16th ऑफ अगस्त से हैं मेरे 6 सेमेस्टर के एग्जाम्स, तो आपको देखने को मिलेगा कि एग्ज़ाम्स के एक महीने पहले कैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, और वाइवा के सीन्स तो सबको ही जानने होते हैं। सो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट कर दो, और इसी के साथ में वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो ये है हमारे मेस का मेन्यू, जुलाई 2023 के अंदर ये अपडेट हुआ है। सो सबसे अच्छी बात मुझे हमारे मेस की यही लगती है कि एटलीस्ट हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। सो वी हैव अ मेस कमेटी जिसके अंदर स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स का रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिर्फ हमें ही पता चलेगा कि हमें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हाँ, हमें जो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती या फिर कुछ चीज़ बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है या कुछ भी चेंजेस कराने होते हैं, तो हम वो चेंजेस करा सकते हैं एंड हो भी जाते हैं वो चेंजेस। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर ये कोशिश करूंगी कि मैं आपको सिर्फ मेन्यू बताने से ज़्यादा आपको रिव्यूज़ दो उस खाने के। ऑब्वियसली सबका रिव्यू अलग अलग होगा, मेरे को जो चीज़ पसंद है हो सकता है वो किसी को ना पसंद हो। मैं पहले बता दूं कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, तो मैं नॉनवेज और वेज दोनों ही इक्वली प्यार से खाती हूं। बट हाँ, मुझे फ़िश खाना नहीं आता, क्योंकि आई एम फ्रॉम राजस्थान, वहां पे फ़िश इतना कॉमन नहीं है, तो मुझे वो खाना नहीं आता। ट्राई किया था, मुझे अच्छा लगा, लेकिन हाँ वो एक चीज़ है जो मैं बाकी लोगों के रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। बाकी सब मैं बहुत आराम से खा लेती हूँ, तो मैं अपने रिव्यूज़ बताऊंगी। तो ब्रेकफास्ट में पोहा बनता है। पोहा मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है, ना मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। एक्चुअली इसके साथ में जो सब्ज़ी प्रोवाइड करी जाती है वो काफ़ी ठीक उसको वो बैलेंस आउट कर देती है कि हाँ, अगर किसी को सिर्फ वो नहीं पसंद है तो आप सब्ज़ी के साथ में खा लो। वैसे अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ तो वहाँ पे पोहे कभी भी सब्ज़ी के साथ नहीं खाते हैं, बट स्टिल खाने में ठीक लगते हैं। तो आते हैं अपन दोपहर में। दोपहर में कोफ्ता बनता है और फ़िश बनती है। तो वैसे तो मैं फ़िश खाती नहीं हूँ, बट हाँ जो भी फ़िश लवर्स हैं वो वेट कर रहे होते हैं फ़िश का, सो या अच्छी ही होती है। वैसे अगर जिसको नहीं अच्छी लगती वो बता भी सकते हैं, वैसे ठीक होती है वो। और कोफ्ता भी मुझे सही लगता है। उसके बाद में शाम को नूडल्स हैं, तो नूडल्स मैं नहीं खाती, लेकिन जो खाते हैं वो खा लेते हैं आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। उसी के साथ में जो शाम को खाना है वो काफ़ी सही लगता है मुझे। मैं राजमा चावल प्रेफर करती हूँ, तो हाँ ऑब्वियसली घर जैसा राजमा चावल तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं इसके हिसाब से ठीक ठाक बना देते हैं ये लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मैं उस दिन खाना ही स्किप कर रही हूँ, ठीक है। तो हाँ सही सही है, मंडे का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है। लाइक मेरे पे डिपेंड करेगा कि मुझे वो खाना है या नहीं खाना, बट मैं आराम से खा लेती हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बहुत सारे बच्चे ये कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि यार दीदी कौन सी बुक सॉल्व करें, कौन सी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कहाँ से रिवाइज करें, एक जगह पे कैसे हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रिपरेशन व्यू से। सो मेरे को अभी अभी रिसेंटली इस बुक का पता चला, जो काफ़ी टाइम से है, मेरे टाइम से है ये बुक। अभी इसके अंदर जो रिसेंट अपडेट्स हुए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अंदर आपको 36 ईयर्स के चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। इसी के साथ में 2023 का भी पेपर इसके अंदर दिया हुआ है, और उसी के साथ में इसमें जो सॉल्यूशंस है वो पूरा स्टेप वाइज है, तो हर स्टेप में आपको हेल्प मिलेगी। और ओएमआर शीट भी साथ में अवेलेबल है, जो काफी ही हेल्पफुल हो जाती है। उसी के साथ में हर चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ऐसे समराइज करके लिखे हुए हैं, जो काफी ही ज्यादा हेल्पफुल होता है रिवीजन के लिए। और उसी के साथ साथ में अगर हम देखें तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा माइंड मैप्स दिए हुए हैं, निमोनिक्स दिए हुए हैं, और नीट के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है चैप्टर का एनालिसिस, के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। उसी के साथ साथ में आपको इसके अंदर निमोनिक्स मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे जो लाइमन बामन पाशन ब्रैकेट और पी फंड है। अगर हमें इसकी सीरीज ही याद नहीं है तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व ही कैसे करेंगे, तो यहाँ पे निमोनिक्स भी काफी हेल्पफुल दिए हुए हैं। नीट के पैटर्न को बहुत ही अच्छे से एनालाइज किया हुआ है इसके अंदर, और जो एक्सप्लेनेशंस है वो बहुत ही एक्सटेंसिव है, जिससे आपका रिवीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्प हो जाता है। उसी के साथ साथ में ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है, तो तीनों ही बुक्स मुझे काफी अच्छी लगी। इन बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ट्यूजडे के अंदर हमें समय मिलता है ब्रेड ऑमलेट, ठीक है। तो ब्रेड ऑमलेट तो सभी खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। और उसी के साथ में अगर कोई ऑमलेट नहीं खाता तो उसके लिए अलग से ब्रेड जैम, ब्रेड बटर वो सब है, लेकिन वो काफ़ी सही हेल्दी वैसा सा कुछ लगता है मुझे कि हाँ सुबह सुबह तुमने कुछ हेल्दी खा लिया। उसी के साथ में दोपहर में भी जो कढ़ी होती है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, ये काफ़ी ही अच्छी कढ़ी बनाते हैं मेस के हिसाब से। ऑब्वियसली घर जैसे नहीं होती, लेकिन मुझे अच्छी लगती है वो। और उसके बाद में शाम को ब्रेड पकौड़ा, ये नया ऐड हुआ है, आज ही ट्यूसडे है तो आज मैंने खाया था, काफ़ी ठीक लगा मुझे। तेल थोड़ा ज़्यादा था, पर वही मेस है तो तेल तो होगा ही, बट स्टिल काफ़ी सही था, खाने में ठीक ठाक था। फिर शाम को वापस एग करी, बेसन गट्टा, ये भी नया ऐड हुआ है बेसन गट्टा। राजस्थान जितना अच्छा तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करूँगी, बट हाँ मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी बेसन गट्टे को लेके मेस से, उससे सही था आज का। तो हाँ ओवरऑल ट्यूसडे का खाना मुझे मंडे से ज़्यादा अच्छा लगता है। देन कमिंग टू वेंसडे, वेंसडे को होता है मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट, इडली सांभर।
क्योंकि मैस वाले भैया, मतलब मुझे प्यार था पहले से इडली सांभर से, लेकिन मैस वाले भैया अलग लेवल की सांभर बनाते हैं, तो वो प्यार और वो हो चुका है कि हाँ यार, मतलब एक ये ऐसी चीज़ है जो मुझे घर के जैसी सी लगती है कि हाँ यार ये उस लेवल की बना रहे हैं, तो वो काफ़ी सही लगता है मुझे। लंच भी सही है, सोयाबीन मैं नहीं खाती हूँ लेकिन उसकी ग्रेवी जो होती है वो अच्छी होती है। तो वही, अब बहुत सारे वेजिटेरियंस हैं जो सोयाबीन नहीं खाते हैं क्योंकि वो नॉनवेज जैसा सा वो होता है, बट स्टिल जो खाता है वो अच्छे से खा लेता है। बहुत सारे ऐसे वेजिटेरियंस हैं जो सोयाबीन बहुत प्यार से खाते हैं और नमन ही बहुत प्यार से खा लेता है। मैं उसमें से सिर्फ आलू निकाल के खाती हूँ, बाकी बूंदी रायता मेरे लिए बहुत है दोपहर के लिए। शाम को वाइट पास्ता मैक्रोनी, ये भी सही होता है, आराम से खा सकते हैं। और रात को वेंसडे को चिकन, तो कुछ और नहीं चाहिए हमें, बस हम चिकन खा लेते हैं और हम खुश हैं और सही चिकन बनाते हैं ये लोग, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में थर्सडे को आलू पराठा, किसको नहीं अच्छा लगेगा, और काफ़ी सही, उसमें आलू होते हैं गाइस, आलू बहुत बड़ी बात है ये, सो हाँ ये भी सही है। फिर दोपहर भी सही है, दोपहर का खाना भी। शाम को मिक्स स्प्राउट्स हैं जो पहले बनते थे, फिर चेंज हो गया था, अब वापस आएगा, तो अभी जब थर्सडे आएगा तो पता चलेगा। बाकी जो पहले बनते थे तो मुझे सही लगते थे। बाकी रात को भी काला चना होता है तो मैं आराम से खा लेती हूँ, बहुत सारे लोग हैं मैंने सुना है जो काला चना नहीं खाते, सो हाँ इट डिपेंड्स कि कौन खाता है और कौन नहीं खाता। फिर फ्राइडे मेरे को पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं उस दिन पेट भर के खाती हूँ। हो सकता है कि मेरे को क्लास में जाके सोना पड़ जाए उसी वक्त, लेकिन मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। उसके बाद में वापस चिकन या पनीर भुर्जी, तो वेज और नॉन वेज वालों के लिए, दोनों के लिए बढ़िया है। शाम को आलू टिक्की ठीक ठाक होती है ये, मतलब पता नहीं, मैं नहीं खाती, पर जब भी मेरे को ऐसा होता है कि हाँ यार भूख लग रही है कुछ तो खा लेती हूँ, और बाहर जाने का मन नहीं होता या दूसरे कैंटीन में जाने का मन नहीं होता तो नहीं खाती। फिर उसके बाद में शाम को भी वापस सोयाबीन होता है, और लाइक फ्राइडे को शाम को मैं नहीं खाना प्रेफर करूँगी क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता शाम को फ्राइडे का खाना। फिर उसके बाद में सैटरडे, सैटरडे को प्लेन पराठा, और इसकी जो सब्ज़ी होती है वो काफ़ी सही होती है, तो पराठे के साथ में सब्ज़ी सही लगती है। फिर उसके बाद में लंच, लंच में पनीर है, आलू चोखा है, आलू चोखा काफ़ी अच्छा बनाते हैं ये लोग, तो ठीक है वो भी अच्छी है। फिर शाम को मैगी या पानी पूरी, तो जब मैगी बनती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैगी क्यों, मतलब आप 400 लोगों के लिए मैगी कैसे बना सकते हो, ऑब्वियसली वो अच्छी नहीं बनेगी। बट ठीक है, ये लोग मसाला वसाला डाल देते हैं तो वो खाने लायक होती है, बट स्टिल क्यों, ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। पानी पूरी जो बनता है तो वो भाई वो बहुत अच्छी बनाते हैं, स्पेशली जो उसका पानी होता है। मैं वैसे पानी पूरी खाती नहीं हूँ बाहर जाके, ठीक है, तो मुझे थोड़ा हाइजीन का वो लगता है, बट हाँ यहाँ पे जो पानी पूरी बनती है और घर पे जो पानी पूरी बनती है तो वो मैं खा लेती हूँ, तो यहाँ वाली मुझे काफ़ी सही लगती है, स्पेशली उसका जो पानी है वो। और शाम को गाइस सैटरडे, जैसे मैं वेंसडे को सुबह उठते ही ऐसे हो जाता हूँ कि हाँ यार आज अच्छा ब्रेकफास्ट मिलेगा, वैसे शाम को मैं सैटरडे को इतनी पागल हो जाती हूँ कि मुझे छोले भटूरे खाने। वेल, छोले भटूरे, मतलब भटूरे स्पेशली रात को नहीं खाने चाहिए, ठीक है, घर पे तो मत खाना, बट जब तुम्हें मैस के अंदर छोले भटूरे मिल रहे हो और वो अच्छे बनते हो तो यार मतलब मैं नहीं रेजिस्ट कर पाती। मुझे सब कुछ त्यागना पसंद है कि हाँ भाई रात को खाना नहीं खाना, तेल वेल कुछ नहीं, मुझे खाना है, बस मुझे खाना है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खाना है। और फिर आते हैं संडे को, डोसा मुझे बहुत पसंद है, तो फिर से मैं मतलब एक संडे तो ऐसा होता है जिस दिन आप लेट उठ सकते हो, लेकिन वो डोसा इतना अच्छा होता है कि हाँ यार मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो वेंसडे और संडे का ब्रेकफास्ट, सिर्फ उसके लिए मैं ऐसा है कि मैं अपनी नींद कुर्बान कर दूंगी, मैं वापस आके सो जाऊंगी, लेकिन मुझे एक बार के लिए नाश्ता करना है। फिर उसके बाद में मंचूरियन मेरे को अच्छा लगता है तो मैं बहुत आराम से खा लेती हूँ। शाम को वड़ा पाव अच्छा ही होता है, ठीक है, और जो महाराष्ट्रियंस हैं, जो दो चार ही हैं गिनते के, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि वड़ा पाव बन रहा है, हाँ ठीक है, खाने में ठीक होता है। फिर उसके बाद में रात को पनीर और चिकन बिरयानी, तो जो भी बिरयानी के लवर्स हैं उनके लिए बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मैं पर्सनली बिरयानी नहीं खाती, चिकन बिरयानी नहीं खाती, वेज बिरयानी मैं खा लेती हूँ, सो उस दिन का मैं पनीर और वेज बिरयानी प्रेफर करती हूँ, मैं चिकन बिरयानी नहीं खाती, लेकिन जो खाते हैं वो बोलते हैं कि अच्छी है, और चिकन मैंने खा रखा है, चिकन भी सही होता है उसका, सो या। और उसी के साथ साथ में हमें जो बीच में जो मिठाई भी मिल रही होती है, स्पेशली जो यहाँ पे रसगुल्ला मिलता है और जो गुलाब जामुन मिलता है, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं गुलाब जामुन की फ़ैन हूँ, मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो वो जब भी मिल रहा होता है तब मैं अपने दोस्तों से कि यार तुमने खा रहे मुझे दे दो, वो सब चल रहा होता है। सो या, बेसिकली ये था पूरा रिव्यू खाने का, दूसरों से बिल्कुल अलग हो सकता है क्योंकि ये मेरा है, मैं जनरली हर टाइप का खाना खा लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कि हाँ मुझे ये सब्ज़ी नहीं खानी, मुझे ये सब्ज़ी नहीं खानी, क्योंकि मैं बचपन से ही खाती आई हूँ, मुझे ये नहीं है कि हाँ मतलब मुझे यही पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वालिटी, ये लोग क्वालिटी पे काफ़ी ध्यान देते हैं। हाँ कभी कभी हो जाता है कि हाँ यार मतलब खाना ख़राब है ये है, लेकिन लिटरली गाइस मैं आपको बताती हूँ, जो जब हम स्टार्टिंग में आए थे ना एम्स कल्याण में, वहाँ उस वक्त जो जिसका मेस था वो क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके बाद में हमें ये जो चेंजेस देखने को मिले हैं जो रिसेंटली, एक साल भी नहीं हुआ अभी शायद, तो ये खाना काफ़ी ही अच्छा है, क्वालिटी वाइज मैं बोलूँ तो काफ़ी अच्छा है। इसी के साथ साथ में पैसे की भी बात कर लेते हैं, तो हमारा जो मेस के चार्जेस हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, 4300 रुपीज़ हैं,
वन मंथ के लिए, ठीक है। सो पहले हमारे कूपन सिस्टम हुआ करता था, लेकिन जब से मैस चेंज हुई है तब से कूपन सिस्टम हट गया है। सो वो एक चीज़ है जो हम काफ़ी मिस करते हैं, बट स्टिल मतलब 4300 कोई बड़ी बात नहीं है मैस के खाने के हिसाब से, क्योंकि इसी के साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ये हो जाती है कि अगर हम मान लो घर जा रहे हैं, तो आपको ये होगा कि भाई अगर मैं एक महीने के लिए घर जा रही हूँ तो फिर मैं मैस का पैसा क्यों दूँ, सीधी सी बात है क्यों देना है। तो उसके लिए आपको, अगर आप वन मंथ के लिए जा रहे हो, तो आपको सिर्फ मेंटेनेंस फीस 1000 rupees देनी है और आप आराम से जा सकते हो, आपको पूरे पैसे नहीं देने, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये है हमारा मैस एमिनिटी ब्लॉक 2, चलो अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो कुछ ऐसा सा है ये अंदर से, यहाँ पे दो काउंटर्स लगते हैं वेज के लिए अलग और नॉन वेज के लिए अलग, तो ऐसे कोई दिक्कत होती नहीं वेजिटेरियंस को। और ये कुछ स्नैक्स के आइटम्स यहाँ रखे हुए होते हैं, साथ ही में कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर हम बनवा भी सकते हैं। सो या ये है, तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। और भी क्या क्या वीडियोस बनानी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम वो वीडियोस ज़रूर लेके आएंगे और उन वीडियोस के अंदर मैं अपना पूरा 100% दूंगी, ताकि आप जो जानना चाहते हैं आपको वो मिले, आपको वो कंटेंट मिले उस वीडियो के अंदर। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल यार, और बुक के बारे में तो नहीं भूले ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा ज़रूर। चलो टाटा।